पाँच फरवरी को मकबूजा कश्मीर के अवाम जो कि इस वक़्त भारत की नौ लाख फ़ौज से बरसर बेकार हैं उनके साथ हम यकजहती मनाने जा रहे हैं और ये पाँच फरवरी एक तविलसा से यकजहती का दिन है और पूरे पाकिस्तान बैरून मल्क आज़ाद कश्मीर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं इस पाँच फरवरी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो इसलिए कि पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस को जब आर्टिकल थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए को एब्रोगेट किया गया उसके बाद भारत मकबूजा कश्मीर का जो एक खसूस हसीयत है उसे मकम्मल तौर पर उसके खात्मे के लिए वो तुला हुआ है एक तरफ़ डेमोग्राफी के ज़रिए वहाँ पर सूरत हाल को चेंज किया जा रहा है आबादी के तनासब को तब्दील किया जा रहा है दूसरी तरफ डीलिमिटेशंस के ज़रिए यह कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर पहले भी कठपुतली हुकूमतें होती रही हैं लेकिन अब उनकी कोशिश है कि वहाँ पर कोई हिंदू वजी अला लाकर सारे ही सिस्टम को सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया जाए उसके अलावा चार हज़ार भारतीयों हिंदुओं ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए और यू ए और दीगर मुल्कों से इन्वेस्टर्स ला के वहाँ की वो ज़मीनें भी लेना चाहते हैं और वहाँ के सारे फाइनेंस पर भी वो काबू होना चाहते हैं आए रोज़ वहाँ पर नौजवानों को शहीद किया जा रहा है औसतन हर रोज़ एक नौजवान वहाँ पे शहीद हो रहा है इसलिए हम पर ये ज़िम्मेदारी बनती है और मैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के साथ साथ बिलखसूस बैरून मुल्क कुछ दोस्तों से मैं रबते में भी हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि इस दफ़ा तमाम जितने पाकिस्तानी और कश्मीरी बैरून मुल्क अमेरिका कैनेडा बरतानिया यूरोप फारिस जहाँ जहाँ भी हैं वो पाँच फरवरी को सब लोग इन मजायरों में शरीक होके मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करें और दूसरा ये दुनिया को बता दें कि जो भारत वहाँ पर जुल्म और बरबरीत का रहा है अब वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी